नमस्कार दोस्तों, जीके संसार में आप सभी का स्वागत है। आज डेट है 23 अप्रैल और समय हो गया आज का करंट अफेयर्स का। हम लोगों ने 22 अप्रैल तक का करंट अफेयर्स देखा है और जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, जो कि आपके आने वाले सभी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, उसे हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो अब बारी है आज के करंट अफेयर्स के और इसमें हम पहले कुछ महत्वपूर्ण तथ्य डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, जो कि आपके आने वाले परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, उसे हम देखेंगे। तो बता दें कि जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आप तक सभी नई वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच पाए और आप देख पाओ। और आपको बता दें कि पिछला वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ से आप करंट अफेयर्स का सेशन चूज करें और वहाँ से पिछली वीडियो आप देख पाएंगे। और जब वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर कोई सुझाव है जिससे कि हम इस सेशन को और बेटर तरीके से ला सकते हैं तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहले करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। और साथ ही साथ बता दें, आप इसके पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और वहीं पे आपको टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया गया, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। नई दिल्ली में सिविल सेवा दिवस समारोह का उद्घाटन उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा किया गया। और ये जो दिवस है वो 2 दिनों तक चलेगा और इस दिवस का जो मुख्य विषय था वो था इवॉल्विंग स्ट्रेटेजी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स। और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति ने एमुलेटिंग एक्सलेंस टेकवेज फॉर रिप्लिकेशन पुस्तक भी जारी किया। और यह दिन सिविल सेवकों को समर्पित है जो कि नागरिकों के लिए खुद को समर्पित करते हैं और सार्वजनिक सेवा और उत्कृष्टता के प्रति अपनी वचनबद्धता को नवीकृत करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। ई विधान परियोजना के लिए केंद्रीय परियोजना निगरानी इकाई का शुभारंभ किया गया और ये किया गया विजय गोयल के द्वारा। आपको बता दें कि संसदीय मामलों के राज्य मंत्री विजय गोयल ने संसद भवन एनेक्सी ने सरकार की ई विधान परियोजना के लिए केंद्रीय परियोजना निगरानी इकाई के नए कार्यालय का उद्घाटन किया है। और यह संसदीय मामलों के मंत्रालय के स्वच्छता पखवाड़ा एक हिस्से के रूप में किया गया था। और ई विधान परियोजना के व्यापक डिजिटल भारत कार्यक्रम का हिस्सा है, जो कि कागजों के उपयोग को काफ़ी हद तक कम करके स्वच्छता और पर्यावरण में योगदान दे सकती है। और ई विधान के जो मिशन मोड प्रोजेक्ट है, जो कि देश के राज्य विधान सभाओं की डिजिटल बनाने के साथ साथ उसका कामकाज को कागज रहित बनाने के लिए किया गया है। भगोड़ा आर्थिक अपराधी अध्यादेश के प्रकाशन को मंजूरी दे दिया गया है और दिया गया है केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भगोड़ा आर्थिक अपराधी अध्यादेश 2018 को जारी करने की मंजूरी दे दी है, जो कि सरकार को एक प्रासंगिक अदालत द्वारा ऐसे लोगों को आर्थिक अपराधी होने के नाते उनके घरेलू संपत्तियों को जब्त करने का अधिकार देगा। और एक व्यक्ति को भगोड़ा आर्थिक अपराधी के रूप में घोषित करने के लिए अध्यादेश जो है मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम 2002 के तहत अध्यादेश के पास विशेष न्यायालय का प्रावधान है। और एक अध्यादेश जो होता है वो केंद्रीय राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया है और एक कार्यकारी आदेश है जो कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर गठित हुआ है, जिसमें संसद द्वारा पारित एक अधिनियम के रूप में समान शक्ति होती है। भारत में संबंधों को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली में TWUTC खोला और एक खोला गया है ताइपे के द्वारा। तो आपको सबसे पहले बता दें, जो ताइपे है वो ताइपे है क्या, तो आपको सबसे पहले जानना चाहिए ताइपे जो है, आपको बता दें कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को हम ताइपे कहते हैं और ताइवान में है, ठीक है। तो इसके से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो बता दें आपको कि भारत के साथ व्यापार संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से ताइपे वर्ल्ड सेंटर जो है यानी TWTC ने ताइवान के पहले एक्सपो से पहले दिल्ली में अपना कार्यालय खोला, जो मई 2018 में दिल्ली के अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और स्मार्ट सिटी समाधान प्रदर्शित करेगा। दिल्ली में जो TWUTC की उपस्थिति है उससे भारत के साथ व्यापार संबंधों को मजबूत बनाने में मदद करेगी। और दिसंबर 2017 में भारत और ताइवान के बीच द्विपक्षीय व्यापार में 6.3 अरब डॉलर की वृद्धि हुई थी। जेम्स C.F. होंग जो है वो TWUTC के चेयरमैन हैं और ताइपेई जो है ताइवान का राजधानी शहर है। ई सनद पोर्टल और NAD राष्ट्रीय शैक्षणिक डिपोजिटरी का एकीकरण शुरू किया गया है और ये किया गया है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। इसके तहत जो होगा वो क्या होगा कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो है इसने भारत में शिक्षा प्रणाली को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए ई सनद पोर्टल और NAD राष्ट्रीय शैक्षिक डिपोजिटरी का एकीकरण शुरू किया है। और ई सनद एक परियोजना है जिसका मुख्य उद्देश्य है ऑनलाइन सबमिशन और दस्तावेजों का सत्यापन, अंतिम वस्तु के साथ संपर्क रहित, नगद रहित, बेकार और कागज रहित दस्तावेज प्रमाणन सेवा का विस्तार करना
और एनएडी सभी अकादमी पुरस्कारों का एक 24/7 ऑनलाइन स्टोर है, जैसे कि डिप्लोमा, प्रमाण पत्र, डिग्री, मार्कशीट आदि को संजो कर रखेगा, जिससे कि वेरीफाई करना आसान हो जाएगा। तो अब बारी आती है दोस्तों आज का करंट अफेयर्स का, जिसमें कि हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को, और इसमें दो प्रश्न जो होंगे उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो पहला क्वेश्चन है कि आर्थिक विशेषज्ञों के मुताबिक किस देश की अर्थव्यवस्था 2025 तक सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनी रहेगी, अमेरिका, जापान, भारत या फिर चीन? तो इसका सही जवाब जो होगा दोस्तों वो होगा हमारा देश भारत। हाल ही में आर्थिक विशेषज्ञों ने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था 2025 तक सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनी रहेगी। 2025 तक भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो बढ़कर $5 ट्रिलियन हो जाने की पूरी संभावना है। क्वेश्चन नंबर टू की तरफ आते हैं, हाल ही में कुल कितनी बहुमूल्य कंपनियों बाजार पूंजीकरण 91,103 करोड़ रुपये बढ़ा है, 9, 15, 6 या फिर 10? तो इसका सही जवाब जो है वो है 6, ऑप्शन ग। ठीक है, सेंसेक्स में जो टॉप की 10 बहुमूल्य कंपनियां हैं उसमें से कंपनियों का बाजार पूंजीकरण 91,153 करोड़ रुपये बढ़ा है। इसमें से सबसे अधिक जो फायदा हुआ है वो TCS को हुआ, यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को हुआ है, और TCS बाजार का पूंजीकरण लगभग 49,000 करोड़ रुपये का बढ़ा है। क्वेश्चन नंबर थ्री पे आते हैं, जनधन अकाउंट में डिपॉजिट कितने हजार करोड़ के पार हो गया है, 80,000 करोड़, 85,000 करोड़, 90,000 करोड़ या फिर 98,000 करोड़? तो इसका सही जवाब जो है वह है 80,000 करोड़, ऑप्शन फर्स्ट। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वपूर्ण योजना जनधन के तहत खाताधारकों की संख्या 31 करोड़ के पार पहुंच गई है, और वहीं जनधन खातों में जो जमा रकम है उसकी जो कीमत आंकी गई है वो आंकी गई है 80,000 करोड़ के पार। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ, इनमें से किस बैंक को चौथी तिमाही में 4,799 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ है, RBI बैंक, यस बैंक, HDFC बैंक या फिर केनरा बैंक? तो इसका सही जवाब जो है HDFC बैंक। हाल ही में HDFC बैंक को मार्च के अंत में वित्त वर्ष की चौथाई जो तिमाही होती है उसमें 4,799.3 करोड़ रुपये का शुद्ध मुनाफा हुआ है, और पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के मुकाबले 20% ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर फाइव पे आते हैं, इनमें से किसने 24 घंटे के भीतर रेप पर फांसी के अध्यादेश को मंजूरी दी है, रामनाथ कोविंद, नरेंद्र मोदी, स्मृति ईरानी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों रामनाथ कोविंद। आपको बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 24 घंटे के भीतर रेप पर फांसी के अध्यादेश को मंजूरी दी है, और राष्ट्रपति ने 2 अध्यादेशों की मंजूरी दी है। अब 12 साल तक के मासूमों से रेप के दोषी को मौत की सजा दी जाएगी, और कैबिनेट ने प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस जो है यानी पोस्ट को इस एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव किया था। क्वेश्चन नंबर सिक्स पे आते हैं, इनमें से किसने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम का मसौदा जारी किया है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय या फिर सूचना मंत्रालय? तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम यानी NCAP का मसौदा जारी किया है, और इसका जो उद्देश्य है वो है देश भर में वायु प्रदूषण की समस्या को व्यापक तरीके से निपटाना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स के बाद सेवन की तरफ, किस देश ने UN की NGO समिति समेत 6 संस्थाओं के चुनाव जीते हैं? तो ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है क्योंकि हम लोगों ने इसे पहले भी डिस्कस किया है, ऑप्शन अमेरिका, जापान, भारत या फिर चीन? तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों वो हमारा देश भारत है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र यानी UN की NGO समिति समेत आर्थिक और सामाजिक परिषद यानी ECOSOC की 6 संस्थाओं के चुनाव जो हैं उसमें जीत दर्ज किया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, विदेशी मुद्रा भंडार पहली बार कितने अरब डॉलर के पार चला गया है, $426 अरब, $800 अरब, $1200 अरब या फिर $1500 अरब? तो इसका क्या होगा सही जवाब आपको कमेंट करके बताना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जो कि आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है इसका आंसर, कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की बैठक का कहाँ आयोजित की गई, दिल्ली, न्यूयॉर्क, लंदन या फिर चीन? तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों आपको ये सेशन कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताएं, और अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो मिलेंगे आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।